वेलकम टू जिल्फा मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट एग्जाम फेबरवरी 2013 से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द रिंग Z36। दिस रिंग हैज ओनली वन प्राइम आइडियल, एग्जैक्टली टू प्राइम आइडियल्स, ओनली वन मैक्सिमल आइडियल, नो प्राइम आइडियल। यहाँ पर हमें रिंग Z36 दिया गया है। ऑर्डर ऑफ Z36 क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू 36। हम 36 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इट इज़ इक्वल टू 2^2 × 3^2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 कितने फाइंड हुए हैं? इट इज़ इक्वल टू 2। 2 फाइंड हुए हैं हमें, एंड इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z36। तो अगर आपको Zn में नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल अगर आपको पता करना है, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड है। आप क्या करेंगे, n के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सपोज फैक्टर ऑफ n आर p r1 p2 r2 p n rn। तो ये m, सपोज दिस इज m, तो ये फैक्टर्स हैं n के। तो यहाँ पर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n क्या है? इट इज इक्वल टू m है, एंड दिस m इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन रिंग Zn। तो यही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। 36 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने फाइंड हुए थे? 2, एंड दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Z36। तो यहाँ पर लेकिन हमें क्या दिया गया है ऑप्शन में? ओनली वन प्राइम आइडियल, एग्जैक्टली टू प्राइम आइडियल, ओनली वन मैक्सिमल आइडियल, नो प्राइम आइडियल। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमल आइडियल 2 फाइंड हुए हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया है? एग्जैक्टली 2 प्राइम आइडियल। यहाँ पर हमें Z36 दिया गया है, और Z36 ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और साथ ही ये फाइनाइट भी है। और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में हर मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? प्राइम आइडियल होता है। देयरफॉर वी से दैट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 प्राइम आइडियल्स इन रिंग Z36। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शंस हैं, देयर एग्जिस्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 24। तो फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर हमेशा पावर ऑफ प्राइम रहता है। इफ एफ इज अ फील्ड देन ऑर्डर ऑफ एफ, इफ एफ इज अ फाइनाइट फील्ड देन ऑर्डर ऑफ एफ इज p^n, वेर p इज प्राइम एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर अगर फाइनाइट फील्ड हो तो उसका ऑर्डर हमेशा, तो ये बात याद रखें, हमेशा पावर ऑफ प्राइम रहता है। लेकिन 24 इज नॉट अ पावर ऑफ प्राइम, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज डिस्कार्ड। ऑप्शन बी है, देयर एग्जिस्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर pq विद p, q डिस्टिंक्ट प्राइम। तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि अगर फाइनाइट फील्ड हो तो फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर हमेशा p^n ही होता है। तो यहाँ पर हमें 2 डिस्टिंक्ट प्राइम दिए गए हैं, और 2 डिस्टिंक्ट प्राइम इज नॉट इक्वल टू द पावर ऑफ प्राइम, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, देर एग्जिस्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 2k। तो यहाँ पर हम यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2k भी पावर ऑफ प्राइम नहीं होगा, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 दी गई है। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 2 देन इट इज़ 2 × 2 × 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर यही दी गई है, k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर भी ये 2k पावर ऑफ प्राइम नहीं होगा, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो डिस्कार्ड। नेक्स्ट, There exists a field of order 25 and 25 can be written as 5^2. It is power of prime. Therefore, we say that there exists a field of order 25. तो ये option correct है। I hope ये आपके लिए helpful है। Video अगर आपको पसंद आया है तो please like करें, share करें, channel को ज़रूर subscribe करें। Thank you for watching.